Assalamu alaikum guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome to today new another vlog. कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं हम कि आप सब खैर खैरियत से होंगे. अच्छा, मैं आज जो है ना अपने सफ़र को लेके इस न्यू रग पर बैठी हुई हूँ. ये मैंने न्यू रग मंगवाया था, पर जब ये जो है ना इसका कलर नहीं बस मैच कर रहा, कलर नहीं अच्छा आया इसका. बाकी ये कि ये काफ़ी सॉफ्ट है बैठने में, लाइक कारपेट की तरह इसकी जो है ना फीलिंग आती है. तो इसलिए मैंने ये मंगाया था ताकि अब मैं थोड़े सफ़र को भी नीचे डाला करूँ. हम भी खुद नीचे बैठने का दिल करता है तो फिर बैठ जाते हैं. तो अभी मैं भी इसके पास बैठी हुई हूँ और ये खेल रही है. और अब से मैंने इसको स्टार्ट किया है जी बनाना के अंदर थोड़ा सा दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको स्पून के साथ खिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके. तो वो मेरा बेबी अभी बड़े शौक़ से खाता है. आप लोगों में से कौन कौन देता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा. अच्छा यार, मैं जब अब्दुल्ला से बोलती हूँ ना, अब्दुल्ला मुझे अपना फ़ोन दे. अब्दुल्ला मुझे अपना फ़ोन देंगे पर अब्दुल्ला आके मेरे पास बैठ जाएंगे. बैठे कैसे बैठते होते हैं आप? कम कम, मैं शॉपिंग कर रही हूँ. कम 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 कम. तो मैं ना, मैं देखती हूँ आगे मैं क्या कर रही हूँ. तो ये जो है ना मैं कर रही हूँ यार, ऐप में देख रही हूँ मैंने कहा क्या चीज़ें रहती हैं और क्या आ गई हैं. बंदा चीज़ें ख़रीदता है, बंदे को समझ नहीं आती ऑनलाइन क्या रह गया क्या नहीं रह गया, क्या आया क्या नहीं आया. तो मैंने कहा वो मैं चेक कर लूँ. तो मियाँ जी पास आके बैठ गए, कहते क्या कर रही हो? आए ना, आप वीडियो बना रहे थे, अब नहीं आते? क्यों क्यों नहीं क्यों, वाई वाई क्यों? ये इस मैडम के काम को चक्कर है, बस अपनी एक्सरसाइज में मगन है ये तो. हाँ द अच्छा. तो यार मेरा देसी घी भी आ गया, मेरे मसाले भी आ गए, बेलन भी आ गया, ये मेरा जो है ना बेलन. इसका जो दूसरा हिस्सा है वो नहीं चाहिए क्योंकि वो तो आपको पता है बंदा काउंटर पर शीट रख के बना लेता है. जस्ट ये चाहिए था मुझे. फाइनली ये रिसीव हो गया. और ये मैंने ग्रीन टी मंगवाई थी, टी बैग्स वाली, जो इजीली जो है ना मैं रूम में पी लिया करूँ. कप तो मेरे पास होता है रूम में, मैंने ये दो मंगवाए हैं ताकि साथ साथ ज़रा वेट भी थोड़ा मेंटेन रहे. और हर वक्त राइस खा के भी ना होता है थोड़ा बंदा फूल जाता है, तो इसलिए मैंने कहा ग्रीन टी मंगा के रूम में रखती हूँ. दिखाएं मुझे ये बेलन, अच्छा है पाकिस्तान की तरह? अच्छा मुझे ये बताएं ये कौन सा मसाला है अब्दुल्ला, दिस वर शो में कौन सा मसाला है? This one is really V1. This one is not V1. ये हमारा नहीं है, चेक करें. मैंने तो ये नहीं मंगवाया. ये शान वाला मेरा है ज़रूर, पर ये दूसरा मेरा है या नहीं दिखाएं मुझे. ओ धनिया, ये धनिया है, धनिया पाउडर है. हाँ धनिया है. नो ये नहीं है, ये वाला आई थिंक ये वाला है शायद. ये अचार मसाला है. और यार ये देखो इस दफ़ा ये लोग इतने कंजूस हैं, इन्होंने डब्बा नहीं भेजा, डब्बे पे वैसे भेजते हैं, इस दफ़ा इन्होंने पैकेट्स में भेजा तो समझ नहीं आ रही. चिकन टिक्का आई थिंक उसमें दो मसाले, एक है दो है, हैव टू, इसमें टू है एंड सेम टू नॉट डिफरेंट. वेट बेटा मैं आपको वॉश कराती हूँ. ये धनिया पाउडर है यार, और मैंने किस तरह से चूज़ करके मंगवाया था और ये किस तरह से आया है. दिखाएं मुझे पिक्चर कैसे मैंने मंगवाया था और ये कैसे आया है. मैंने मंगाया था ये, ओपन करें नेशनल वाला, ये चाइना वाले कॉपी करते हैं, देखें ज़रा. ये मंगाया था मैंने यार नेशनल का, किधर गया, लाइट पड़ रही है, नज़र नहीं आ रहा ठीक से. ये धनिया पाउडर मैंने मंगाया था, मेरा ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा रहता था तो मैंने कहा मंगा लूँ. और ये आया है फेक, चीटर चीटर, दिस वन इज फेक, सीरियसली फेक. दिस वन कम फ्रॉम इंडिया. हाँ तो ये इंडिया वाला, मैंने तो ये नेशनल वाला मंगाया था. चीटर, नो गुड. अच्छा वो देसी घी बताएं मुझे वो कैसा है. वो बताएं मुझे देसी घी बताएं. अब्दुल्ला गिव मी दिस वन.
अच्छा ये बेलन बेलन तो ठीक है, बाद में शायद आ जाएगा ना, आप ही दें मुझे। चिकन तीखा नहीं है। कहाँ से स्मेल आ, आपको कह रहे हैं स्मेल आ रही है? हाँ अच्छा, फिश की स्मेल आप कह रहे थे स्मेल आ रही है, मुझे लगा आप इसका कह रहे हैं कि आपको स्मेल आ रही है, तो इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है। ओपन करें इसको, वन हैंड आई कांट ओपन ना यार, प्लीज इसको खोलें। रियली अब मुझे भी फिश की स्मेल आई है, पता नहीं स्मेल क्यों आई है। जल्दी 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 जल्दी, ये यार देसी घी मैंने मंगाया है अपने लिए, कि मुझे ना रमज़ान में होता है मैं रोटी के ऊपर पराठे के ऊपर लगा के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसको कहाँ रखूँ, फ्रिज में रखूँ? हमारे घर में इसको फ्रिज में रखते थे या वैसे रखते थे, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं, मुझे याद नहीं है यार। गाइज आप लोग बताएं उसको फ्रिज में रखते हैं या साइड पे रखते हैं, क्योंकि मैं लिटरली बिल्कुल भूल चुकी हूँ, सच में मुझे नहीं याद। ये घरदारी और ये सब चीज़ें मैंने पहले कभी की नहीं है, अभी करनी पड़ रही है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसको फ्रिज में रखा जाता है वैसे, कोई कोई चीज़ें हाँ रखते भी हैं और कोई नहीं भी रखता, क्या होता है यार मुझे प्लीज़ लाजमी बताइएगा। अच्छा तो यार गाइज अभी हमारे टाइम हो रहा है रात के 10 बज रहे हैं, और ये अब्दुल्ला को मैंने दिया सफ़र को ताकि ज़रा झूले पे बिठाएं, इसको सुलाएं और है ना यार। अच्छा ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई, ये मैंने सफ़र नया मंगवाया है, अभी ये थोड़ा सॉफ्ट में है, वो दूसरा जो था वो ये वाला था वो ठीक नहीं था, वो जब से मैंने वॉश किया ना उसके बाद बहुत ख़राब था। अभी किसी टाइम हमारे नीचे बैठने का दिल करता है ना तो हम इस पर बैठते हैं, ये अच्छा है। बट ये कि इसका कलर मैचिंग नहीं आया यार, कलर थोड़ा ख़राब आ गया, बट ठीक है चले हम चलते हैं जी। मेरा प्याज जल रहा होगा, बाकी घर वाले सो रहे हैं नानों को छोड़ के, और यहाँ मैं बना रही हूँ यार। ये देखो मैंने प्याज रखा है, मेरा प्याज फ्राई हो रहा है, मैं बनाने लगी हूँ जी आलू मटर जो है ना, बना रही हूँ मैं चावल बना रही हूँ, दिल कर रहा था। और ये रहे मेरे राइस, फाइनली मुझे रिसीव हो चुके हैं, और आज पहली दफ़ा मैं बना रही हूँ ये वाले। अभी मैं इनकी जो है ना इसको ओपन करती हूँ, जल्दी जल्दी मैं बनाती हूँ। और ये मटर मेरे पास जो है ना रेडी बिल्कुल पड़े, मैंने इंटरनेट से मंगाए थे, होप सो कि आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, या मैं इसको बंद कर देती हूँ, तो मैंने इसको कर दिया बंद। अच्छा ये हमारे घर में एक स्कैम हुआ है हमारे साथ, कि हमें पता ही नहीं है कि इसको ओपन करके यूज़ करते हैं भाई। ये देखो, क्या आप लोगों का भी ऐसे ही था? पहले ये बंद था, अब इसको ये लोग ओपन करके यूज़ कर रहे हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल इसको ओपन करके ऐसे यूज़ करना चाहिए, ऐसे मैंने कभी किसी का नहीं देखा है ऐसे यूज़ कोई करता है इसको, इसको ऐसे ही यूज़ करते हैं बंद करके। तो खैर ये घर वालों ने इसको ओपन कर दिया, ऐसे अब इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना राइस डालती हूँ, भिगो के रखती हूँ जल्दी जल्दी राइस, और जो है ना बस टमाटर शमाटर देखे मैंने फटाफट अपनी सारी चीज़ें रेडी रखी हैं, और जल्दी से मैं राइस बनाती हूँ क्योंकि हमें भूख लगी हुई है, खाना नहीं खाया। और खाने में यार बताया हर वक्त वाइट राइस वाइट राइस वाइट राइस, तो मेरा दिल कर रहा था कि यार अब्दुल्ला ने भी कहा पुलाव बना दो, मैंने कहा ओके बॉस मैं अभी बना के लाती हूँ। सो गाइस सारा कुछ डन हो चुका है, मैंने जल्दी जल्दी जो है ना सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं, स्पाइसेस ऐड करने के बाद फ़ौरन जो है ना मैंने बस ये आलू और मटर डाल दिए बीच में, अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी इनमें। थोड़ा फायर को हम मज़ीद थोड़ा तेज़ करते हैं क्योंकि भूख लगी है, और जल्दी जल्दी ताकि ये बन जाए, फिर इसमें मैं थोड़े से ये थोड़े देर पकाने के बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, तो लहसुन अदरक का पेस्ट इस दफ़ा मैंने इसमें डाला है, क्योंकि वो दूसरी तरह गुला को नहीं अच्छी लगती ना, उस तरह मैं कटिंग करके डालती थी, तो मेरे पास लंगड़ी नहीं थी, पर यह कि फिर लंगड़ी मुझे मिल तो गई पर फिर मैंने ली नहीं, वो समटाइम्स सफ़ा सोई होती है फिर वो एक्स्ट्रा हम शोर घर में बिल्कुल भी नहीं करते, उसकी नींद पे हम जो है ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि यार उसकी नींद ना ख़राब हो जाए। तो खैर फिर इतना मैंने कहा बन्ना बनाया जब टेक्सचर मिल रहा है तो वही बंदा क्यों ना यूज़ कर ले, इतना बंदा लहसुन लाए फिर उसको पीसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये होता है कि यार फ्रेश चीज़ फ्रेश होती है, वो बात तो अलग होती है, पर चलें यार क्या हो सकता है। खैर आप लोग बताएं इसका कलर कैसा है, कैसा लग रहा है, और आप लोगों का जो है ना मटर पुलाव बनाने का, आलू मटर पुलाव बनाने का क्या तरीका है, अपना तरीका ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। मैं जल्दी जल्दी जो है ना
उसको बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा तो यार गाइस, मैंने पानी डाल दिया था। पानी बॉईल होने के बाद जो है ना, मैंने राइस भी इसमें ऐड कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी राइस मैंने इसमें डाल दिए। अब जो है ना, इसको सही तरह से हम पानी ड्राई होने देते हैं, उसके बाद हम इनको दम पे रखते हैं। आप लोग बताएं कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं? सो गाइस, फाइनली मेरे चावल तो तैयार हो चुके। अच्छा, मेरी एक बुरी आदत है कि मैं चमचे बहुत मारती हूँ। मैंने राइस में इतने चमचे मारे होते, चमचे मारे कि वो इस कंडीशन में पहुँच चुके हैं। खैर, आप लोग बताएं कैसे बने? टेस्ट में तो अच्छे बने। मेरी कोशिश ये होती है कि नीचे ना लगे चावल, तो ये देख सकते हैं नीचे नहीं लगे, बिल्कुल ज़रा ज़रा लगे होंगे। अच्छा, मेरे साथ ये होता है ना यार, पहले पहले मैं क्या करती थी, मैं पानी बहुत डाल देती थी, मुझे अंदाज़ा नहीं समझ में आता था ना। तो शुक्र आज मेरे चावल जो है ना, टूटे भी नहीं है और पानी पानी नहीं है। पहले हमेशा इधर चाइना में जब से मैंने राइस बनाना स्टार्ट किया, मेरे राइस पुलाव और बिरयानी कम, खिचड़ी ज़्यादा पकती थी। तो इसलिए मैं फिर जाना बड़ी वो होती थी। अच्छा, मुझसे ये गलती होती थी कि यार मैं पानी ज़्यादा डाल देती थी, मुझे पानी डालने का अंदाज़ा ही नहीं समझ में आता था कि यार कितना पानी डालना चाहिए कितना नहीं, मुझे समझ नहीं आती थी। अब मैंने आज जो है ना, मेरा 1.5 कप राइस थे, 1.5, तो 1.5 में मैंने पुट किया 2 कप पानी। तो 2 कप पानी ठीक होता है अंदाज़ा, तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया। फिर वो 2 कप पानी जो है ना, वो जल्दी ही ड्राई हो गया, तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी जो है ना बन गए। अदरवाइज़ मैं पहले डालती होती थी, मेरे 2 कप राइस होते थे, 2 कप राइस के साथ मैं डालती थी 2 कप राइस अगर मैं डाल देती थी ना, तो 2 कप राइस के साथ मेरे 4 कप पानी में डाल देती थी, 4 या 5 इस तरह मैं डाल देती थी, पानी ज़्यादा डाल देती थी मैं। मुझे उस टाइम कभी कभी समझ नहीं आती थी ना, क्योंकि कभी उस तरह ढंग से कुकिंग शादी से पहले कभी की नहीं थी, तो अभी शादी के बाद कभी कभी करती हूँ, तो इसलिए समझ नहीं आती। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी गलतियाँ दुरुस्त होती जा रही हैं। अब मेरे साथ में दिल चाह रहा है कि मैं जो है ना रायता बनाती, पर रायते में डालने के लिए मेरे पास वक्त ही कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं उसमें डालूँ, तो इसलिए खाली योगर्ट साथ में रखूँगी कि खा लें हम। तो राइस मेरे तैयार हो चुकी हैं, आप लोग कमेंट में बताएं कैसे लग रहे हैं। अच्छा तो गाइस, मैंने राइस वगैरह अपने लिए डाल दी, अब्दुल्ला के लिए भी डाल दी। ये मैं थोड़े से जो है ना नानू को दे के आती हूँ, बाकी तो घर में सो रहे हैं। नानू के रूम की लाइट वीसी चल रही है या नहीं? हाँ चल रही है। अब मैं एक हाथ से नॉक तो करने से रही। लाला इधर रखती हूँ, बाद में ईटिंग है हमारे लिए। इधर को अच्छा तो यार, नानू को तो हमने दे दिए। वो ये समझ रही थी कि थोड़े से मेरे कहीं बनाए होंगे ना, तो जो है ना वो तुम लोग खा लो ये वो। ये अब मैं एक टमाटर रह गया, उसको मैं फ्रिज में रख दूँ। ये यार सब्जी जो है ना फ्रिज में इस तरह से रखते हैं, हालांकि ये वाला सेक्शन होता है सब्जी का, यहाँ पर यहाँ पे फ्रूट होते हैं, यहाँ पे सब्जियाँ होती हैं। और ये देसी घी ना हमने फ्रिज में रखा था, और ये मैंने क्रीम जो लाई थी ना, इसको मैं इंशाल्लाह फिर बनाऊँगी। अभी जो है ना बस जल्दी जल्दी मैं खाना अब्दुल्ला को देती हूँ। स्पून तो आपको पता है मैंने ले ली थी, तो इसलिए स्पून लेने की ज़रूरत नहीं है किचन से। और अब्दुल्ला इतने अजीब है, अब्दुल्ला की आदतें बड़ी अजीब अजीब है। अब्दुल्ला ने स्पून रूम में रख दी है, अब्दुल्ला कहते हैं बस यहीं से यूज़ कर लेंगे ना। मैंने कहा अच्छा चल जैसे आपकी मर्जी, रूम में रख लेते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना सफ़ा बहुत ज़्यादा तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है, इसलिए ज़्यादातर रूम में ही आजकल खाना पीना होता है। समटाइम जो है ना हम बाहर खा लेते हैं, पर ज़्यादातर उधर ही अपने टेबल पे खा लेते हैं इजीली। सफ़ा जाग रही होती है ना, फिर उसके साथ हमें ये होता है हम रूम में इजीली खा लेते हैं, नहीं तो फिर बाहर आए तो फिर सब भी डिस्टर्ब होते हैं, और फिर हमें भी एक में से जो है ना एक बंदे को खाना पड़ता है, एक बंदे को देखना पड़ता है सफ़ा को। इसलिए चले अब हम खाना लेके जाते हैं जल्दी जल्दी। मैंने ये साफ़ भी कर दिया काउंटर, बाकी तो सारा कुछ क्योंकि मैंने धो धा के रख दिया था साथ साथ ही, तो ज़्यादा गंद नहीं बना। सो यार गाइस, अच्छा अब्दुल्ला को मैंने बोला, मैंने कहा अब्दुल्ला देख लिया आपने राइस अभी ठीक वाले आए हैं, तो राइस अभी आज मेरे पानी की तरह नहीं बने, अंडरस्टैंड?
अंडरस्टैंड? अब्दुल्ला फिर भी कहते हैं नहीं, अगर मैं कहूँ कि मुझे चाइनीज वाले खाने तो ये लो शाबाश, ये लो मेरी भी ले दोनों जाके दो के लाए, मैं थक गई हूँ, आप जाए आप शाबाश। मैंने इतनी मुश्किल से इतना टाइम लगा खाना बनाया है और योगर्ट नहीं लाई यार, योगर्ट इन्होंने कहा नहीं लाओ छोड़ो फेंटा पी लेते हैं साथ में, पर यार रायता होना चाहिए था, रायते के लिए अभी मेरे पास कुकम्बर नहीं था, कुछ था ही नहीं यार। मैंने ना वो मंगवाया है, एक तो ज़ीरा होता है ना, एक दूसरा होता है, नहीं वो ज़ीरा ही होता है, हाँ वो ज़ीरा ही होता है, ज़ीरा मंगवाया मैंने, अभी तक आया नहीं है, वो काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उसका रायता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़ीरा हो और योगर्ट हो उसमें मिक्स कर दो तो बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो चलें यार गाइस अब हम खाते हैं खाना, सफ़ा भी जाग रही है अभी तक नहीं सोई है, हालांकि पूरा दिन वो आज नहीं सोई क्योंकि बेडशीट मेरी ये पड़ी हुई है, धो के मैंने रखी थी, इधर जगह नहीं थी, फिर जो है ना हमने चेयर पर रखी थी और अभी अब्दुल्ला बैठे हैं तो अब्दुल्ला ने उधर रख दी। और यार हमारा रूम कितना सिंपल सिंपल हो गया बगैर इसके, नहीं करें ना यार अब्दुल्ला। तो अच्छा ये हमने स्पून ली थी कैसी है? अब मुझे कुछ पता चल रहा, मैं स्पून से खाना खाऊंगी जमाने के बाद, वो दूसरी वाली। अच्छा क्राई तो माय डॉटर, नो क्राई, हैप्पी हैप्पी योर डॉटर, वाह 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 वाह, लेके आए ना अब्दुल्ला उसको भी, यहाँ बैठाए स्टूल ले आए, जल्दी करें ना लेके आए ना, हर क्राई ईटिंग बिफोर टेक हर प्लीज फर्स्ट, फिर वो रोने लग जाएगी, फिर जो है ना हम खाना सुकून से नहीं खा पाएंगे। मैं खुलती हूँ आप उसको लेके। सो गाइस अपना रखे बहुत सारा ख्याल, हमें रखे अपनी दो में याद, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन के साथ। ये देखा है आप लोगों ने, ये हमारे साथ आजकल बैठती है, इस वजह से फिर हमारे बाहर बैठना ज़रा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बाहर वाली चेयर ज़रा डिफरेंट हैं, डिफरेंट वो ज़रा वो चेयर ना, इसकी चेयर का जो ये फॉर्म है ना ये थोड़ा कम है, बाहर वाली चेयर का ज़्यादा है तो वो बैलेंस पर बराबर नहीं होता, गिरने का ख़तरा होता है। हेलो माय प्रिंसेस, ये देखो जरा बाबा ने कैसे बिठाया मेरी बेटी को, अल्लाह मिलो बीबी जो ना पूरा दिन हो गया मिलो बेटा ठीक से चोया नहीं है आज, आप कौन ही चोई हो आज ठीक से, हाँ बाबा लाइट ओपन कर दे। हेलो प्रिंसेस, प्रिंसेस अब अपने आप को देख रही है कि ये कौन है, ये तो मैं हूँ, ये शीशे में कौन है? सफा देखो ना, सफा 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 नो सोंग जी सफा, व्हाई नॉट टच, व्हाई नॉट टच, सफा 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 सफा। हम लोग हर वक्त इसको इसी तरह तंग करते हैं यार, कि मैं इसको सफ़ा बोलती हूँ, ये इसको सॉन्ग यंग जिया बोलते हैं। हाँ चले गाइस अपना रखे बहुत सारा ख्याल, मैं अब्दुल्ला के लिए फैंटा ओपन करती हूँ, बाय बाय अल्लाह हाफिज़, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल में प्रेस द बेल आइकन, बाय बाय, सी यू इन न्यू व्लॉग, टा बाय बाय। नहीं ऐसे ऐसे कैसे था यार, मैं भूल गई, ऐसे ऐसे come your nose near 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 bye bye smile karke bye bye karo hey।